प्रथम चिंतन में और दूसरे शिक्षक उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई तो फकीर ने उससे एक ही बात कही कि तुम इस पेड़ के नीचे एकांत में बैठ जाओ, फिर जो विचार आते हैं उन्हें आने दो, पेड़ के नीचे बैठने से थक जाओ और उठने की इच्छा हो तब उठ जाओ, जब भूख लगे तो खाना खा लो, सोने की इच्छा करे तो सो जाओ, टहलने की इच्छा जागे तो टहल आओ, और इस दरमियान मन कभी किसी बाबत सवाल करने का करे तो मेरे पास चले आना। बात शिष्य के समझ में नहीं तो नहीं आई, परंतु उसने गुरु के कहे अनुसार अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ पहनना शुरू कर दिया। दो एक दिन तो वह यह सब करता रहा, परंतु फिर तीसरे दिन वह जिज्ञासा लिए फकीर के पास पहुंच गया। उसने फकीर से कहा कि आपने जो कहा वह तो मैंने किया, परंतु यह सब भी कब तक, मैं तो यहाँ ज्ञान पाने आया हूँ। फकीर ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं। साथ में यह भी कह दूं कि अपनी साइकोलॉजी के साथ बहते सीखने के अलावा कोई दूसरा ज्ञान होता ही नहीं है। खैर, तुम सिर्फ यह बताओ कि इन दो दिनों में तुम्हें कोई कष्ट हुआ? शिष्य बोला, कष्ट तो नहीं हुआ। फकीर से पूछा, अच्छा यह बताओ कि इन दो दिनों के दरमियान तुम कुछ नई ऊर्जा से भरे? शिष्य एक क्षण तो सोच में पड़ गया, तत्क्षण उसने अपने बीते दो दिनों पर गौर किया। वाकई इन दो दिनों में उसकी स्फूर्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी। उसने तुरंत फकीर के चरण छूते हुए कहा, वाकई पिछले दो दिनों में कोई कष्ट नहीं हुआ और ऊर्जा अनेकों गुना बढ़ गई। फकीर ने कहा, बस तो फिर तुम्हें ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान का मकसद ही कष्टों से छुटकारा पाना और ज्ञान की गरिमा ही मनुष्य को ऊर्जा से भर देने में है, और एक साथ ये दोनों बातें सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ जीने से ही संभव है। थोड़ा सोचो, यदि तुम्हें ज्ञान की चाह न होती तो इन दो दिनों में क्या होता? तुम बादशाह ही हो जाते, क्योंकि इस ज्ञान की चाह के अलावा इन दो दिनों में सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक ही चला था। अर्थात ज्ञान की चाह न होती तो तुम आनंद के शिखर पर पहुंच चुके होते। यहाँ वहाँ ध्यान भटकने की जगह तथा बड़ी बड़ी खोजों व ज्ञान में जीवन बर्बाद करने के बजाय यदि मनुष्य अपने मन और शरीर की सामान्य क्रियाओं की सामान्य चाहें पूरी करते सीख जाए तो वह ज्यादा सुखी और सफल हो सकता है। अपनी सामान्य चाहों व क्रियाओं की कुर्बानी देकर मनुष्य ने न तो कभी